अगर आपको या आपके परिवार वालों को भिंडी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आज मैं आपके लिए मसाले वाले भिंडी की सब्जी लेकर आई हूँ, तो एक बार इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत। चलिए सूप बनाना शुरू करते हैं। आधा किलो भिंडी को मैंने धोकर सूखे कपड़े से पोंछ लिया है। भिंडी के आगे और पिछले वाले हिस्से को काट कर निकाल देते हैं। इसी प्रकार से सभी भिंडी के पिछले और अगले वाले हिस्से को काट कर निकाल लेना है। चलिए अब भिंडी को सब्जी के लिए तैयार करते हैं। भिंडी के बीच वाले हिस्से को काट लें और बीच में से कट लगा दें। इस प्रकार से कट लगाने से भिंडी में नमक और मसाले आसानी से अब्जर्व हो जाते हैं। पूरी भिंडी इसी प्रकार से तैयार कर लेना है। भिंडी में 1 टीस्पून के करीब नमक डालें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भिंडी में नमक डालने से स्वादिष्ट होती है और अच्छे से पकती है। अब आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ले लें, 1 छोटी चम्मच बेसन ले लें। अब सभी को अच्छी तरीके से मिला लें। भिंडी को जितनी अच्छी तरह से मिलाएंगे उतनी अच्छी तरह से हमारी सब्जी का स्वाद भी बढ़ेगा। भिंडी को अच्छे से तैयार करने के बाद गैस की तरफ चलते हैं। मैंने गैस चालू कर लिया है। अब इसमें एक पैन रख लें। गैस पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। 1 टीस्पून के करीब इसमें तेल डाल दें। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो हम इसमें भिंडी को डाल देंगे। भिंडी को अब करछी की सहायता से हल्के हाथों से चला लेना है। अब भिंडी को 7 से 8 मिनट के लिए ढक कर पकाएंगे। बीच बीच में भिंडी को चलाते रहना है। जब आप भिंडी को तल रहे हैं तो गैस के फ्लेम को मीडियम और हाई फ्लेम पर ही रखें। 7 से 8 मिनट बाद देखेंगे कि हमारी भिंडी कितनी अच्छी तरीके से भून चुका है। तो अब हम भिंडी को एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब अगले प्रक्रिया की तरफ चलते हैं। उसी पैन में 1 स्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल डालें। चाहे तो आप मस्टर्ड ऑयल डाल सकते हैं, इसकी जगह रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच सरसों डालें। 1 इंच के करीब छोटी टुकड़ी दालचीनी का टुकड़ा डाल दें। अब इसके साथ में ही हम 2 तेज़ पत्ता डाल लेंगे। गैस को लो फ्लेम में कर लेना है। ढक देना है जिससे सरसों बाहर ना आए और पूरी तरह से चटक जाए तो निकालें। अब हम लीड को खोल कर देखेंगे, सरसों पूरी तरह से चटक चुका है। 1 चुटकी के करीब हींग डाल लेना है। मैंने एक बड़े साइज के प्याज को धोकर काट लिया था, अब उसी को डाल देना है। अब प्याज को चलाते हुए हल्का भूरा होने तक भून लेना है। जब तक प्याज भून रहा है तब तक हम दही को सेट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 100 ग्राम दही ले लिए हैं। दही में हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। 1 छोटी चम्मच के करीब धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। दही को अच्छे से सूखे मसालों के साथ मिला लें जिससे दही फटता नहीं है, सब्जी बनाने में आसानी होती है। प्याज भी अच्छी तरीके से भून चुका है तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। 1/2 छोटी चम्मच 1/2 छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डालेंगे। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो इसमें रेड चिली पाउडर ज़्यादा अधिक डालें। मैंने इसमें 1/2 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर डाली है। इन सभी को 2 मिनट के लिए लो फ्लेम में अच्छी तरह से पका लेना है। मैंने एक बड़े साइज के टमाटर को पेस्ट बना लिया था, अब उसी को डाल देना है। अब इसे चलाना है। चाहे तो इसे ढक कर पका सकते हैं या इसे तेल छोड़ने तक ऐसे ही पका सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरीके से यह पक चुका है। पैन के किनारों पर यह तेल छोड़ना भी शुरू कर दिया। तो अब इसमें डालेंगे दही वाले मिश्रण। जब आप दही वाले मिश्रण डालें तो फ्लेम को लो पर रख लें, नहीं तो दही हाई फ्लेम पर फट जाता है। दही वाले मिश्रण को भी तेल छोड़ने तक अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेना है। ये देखेंगे कि 2 से 3 मिनट में दही पैन के किनारों पर तेल छोड़ना शुरू कर दे। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच के करीब सूखी कसूरी मेथी के पत्ते डालेंगे। इसे मिला लेना है अच्छी तरीके से। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेना है अपने सब्जी के हिसाब से। अब इसमें मैंने भिंडी को भी डाल लिया है। भिंडी को डालकर मसालों के साथ अच्छी तरीके से मिला लेना है। अब इसमें 2 कप के करीब पानी डाल लेना है। ध्यान रखें कि भिंडी में ज़्यादा पानी ना डालें।
आप सभी को अच्छे से मिला लेना है और भिंडी को पकाना है। भिंडी को ढककर 5 मिनट के लिए पका लेना है। अब इसमें धनिया 1 टीस्पून के करीब डाल देना है। धनिया डालने के बाद 2 मिनट के लिए पका लेना है। अब देखेंगे कि हमारी भिंडी कितनी अच्छी तरीके से पक चुका है, तो फ्लेम को बंद कर देना है। इसे चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं। मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको कमेंट में बताना ना भूलें।